दोस्तों, अफगानिस्तान की तालिबान सरकार ने पूरी दुनिया के सामने भारत से मदद की गुहार लगाई है। उसने कहा है कि भारत हमारे देश में आकर यहाँ की जनता की मदद करे। तालिबान ने कहा है भारत यहाँ उनके देश में रुके हुए 20 प्रोजेक्ट को फिर से शुरू करे, जिन्हें तख्ता पलट के समय बंद कर दिया गया था। पूरी दुनिया के सामने तालिबान की ये गुहार सभी को चौंका रही है, क्योंकि जिस सरकार को अस्तित्व में आए 1.5 साल हो चुका है, उस आतंकवादी संगठन को अभी तक भारत ने मान्यता तक नहीं दी है, लेकिन उसके बाद भी तालिबान चाहता है कि भारत उनकी सहायता करे। ऐसे में सवाल खड़े होने लगे हैं कि आखिर इसके पीछे तालिबान का क्या मकसद है? क्या इसके पीछे कोई उसकी चाल है? क्या तालिबान कोई नया खेल खेलकर भारत को फंसाने की कोशिश कर रहा है, या फिर वो सच में देश की तरक्की चाहता है? आखिर क्या है तालिबान की मंशा? वही भारत का इस पर क्या रुख है? वो क्या करने की सोच रहा है? ये सब जानेंगे हम इस वीडियो में, तो आप हमारे साथ आखिर तक बने रहिएगा। दोस्तों, आज से 1.5 साल पहले यानी कि अगस्त 2021 को अफगानिस्तान में तख्ता पलट करने के बाद तालिबान सरकार सत्ता में आई थी, लेकिन जब ये सत्ता में आई तब से ही भारत और अफगानिस्तान के रिश्ते कुछ ठीक तरह से क्लियर नहीं है। 1.5 साल गुजरने के बाद भी भारत ने तालिबान की सरकार को मान्यता तक नहीं दी है। इतना ही नहीं, जब यहाँ हिंसक सत्ता परिवर्तन हुआ तो उसके 2 ही दिन बाद भारत ने काबुल में अपना दूतावास बंद कर दिया और सभी अधिकारियों को वापस भारत बुला लिया। इतना ही नहीं, भारत ने यहाँ मानवीय सहायता के लिए चीजों का वितरण भी किया और एक तकनीकी मिशन को काबुल भी भेजा, लेकिन फिर भी अपनी दूतावास को दोबारा खोलने पर कोई फैसला नहीं लिया है। लेकिन इसके बाद भी तालिबान भारत से कह रहा है कि वो उनके देश में निवेश करे और नई शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर की परियोजनाओं को शुरू करे। इसके लिए अफगान शहरी विकास मंत्री हमदुल्ला नुमानी ने भारत के तकनीकी मिशन के प्रमुख भरत कुमार से एक मुलाकात के दौरान भारतीय निवेश और परियोजनाओं के मुद्दे पर बातचीत भी की। दोस्तों, तालिबान लगातार भारत की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ा रहा है और यहाँ निवेश करने की बात कह रहा है। ऐसे में सवाल खड़ा होता है कि वो भारत पर इतना जोर क्यों डाल रहा है और ये कौन से ऐसे प्रोजेक्ट हैं जिन्हें फिर से शुरू करने की बात की जा रही है। दरअसल दोस्तों, अफगानिस्तान में तालिबान की सरकार के आने से पहले भारत ने यहाँ करीब $3 बिलियन के इंफ्रास्ट्रक्चर खड़े किए थे। यहाँ के सभी 34 राज्यों में लगभग 433 परियोजनाएं भारत की वित्तीय मदद से बनाई गई हैं, जो लोगों के इस्तेमाल में आती हैं। अफगानिस्तान के हेरात प्रांत में स्थित ये सलमा डैम भारत ने साल 2016 में बनाया था। हेरात के चेश्ते शरीफ जिले में सलमा बांध अफगानिस्तान के सबसे बड़े बांधों में से एक है। इस डैम से इलाके के हजारों परिवारों को सिंचाई का पानी और बिजली मिलती है। 4 जून 2016 को पीएम नरेंद्र मोदी ने अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ गनी के साथ इसका उद्घाटन किया था। सलमा डैम को अफगानिस्तान इंडिया फ्रेंडशिप डैम के नाम से जाना जाता है। इसके साथ ही भारतीय कंपनियां पिछले कई सालों से अफगानिस्तान में बुनियादी ढांचे से जुड़ी परियोजनाओं को बनाने और उनके रख रखाव में शामिल रही हैं, जिसमें जरान जेलाराम हाईवे जैसे भारत की सीमा सड़क संगठन ने बनाया है। $90 मिलियन की लागत से बनी काबुल में अफगान संसद भी भारत ने ही बनाया है। इस संसद के एक ब्लॉक का नाम पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर रखा गया है। वही स्टोर पैलेस का जीर्णोद्धार कर अफगान के राष्ट्रपति अशरफ गनी और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मिलकर उद्घाटन किया। वही पुले खुमरी से काबुल तक 220 किलोवाट डीसी ट्रांसमिशन लाइन को भी भारत ने बनाया। इसके साथ ही भारत ने इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट फॉर चाइल्ड हेल्थ का पुनर्निर्माण किया। इसके साथ ही भारत सरकार अफगानिस्तान के छात्रों के यहाँ पढ़ाई के लिए बड़ी संख्या में छात्रवृत्ति भी देता है और उनकी जरूरत का ध्यान भी रखता है। लेकिन जब अगस्त 2021 में तालिबान की सत्ता आई तो ये सभी परियोजना रुक गई। वैसे इन परियोजना से अफगानिस्तान की जनता को बहुत फायदा मिलता रहा है, वहीं यहां भारत के द्वारा परियोजना चलाने का मकसद कि वो एक आत्मनिर्भर देश बने। इसके लिए भारत ने अफगानिस्तान से क्षेत्रीय संपर्क बढ़ाने के लिए एयर फ्रेट कॉरिडोर और चाबहार पोर्ट शुरू किया था। इसके अलावा भारत यहाँ के मानवीय हालातों को लेकर भी चिंतित है। इसी वजह से भारत अफगानिस्तान को मानवीय मदद करता रहा है, जिसके जरिए वो गेहूं, जरूरी दवाएं जैसे टीबी की दवा, कोविड वैक्सीन, जरूरी मेडिकल सर्जिकल सामान और 28 टन राहत सामग्री शामिल है, जिससे भारत ने ये साबित कर दिया कि वो हमेशा से दूसरों की मदद के लिए तैयार रहता है। दोस्तों, भारत देश हमेशा से ही अहिंसा की राह पर चलने वाला देश रहा है और दूसरों की सहायता करता रहा है, इसलिए उसने अफगानिस्तान की मदद की थी। वहीं भारत की यही खूबी देखते हुए अफगानिस्तान की सरकार का कहना है कि भारत यहां रुकी हुई 20 परियोजनाओं को फिर से शुरू करे। MUDH के प्रवक्ता मोहम्मद कमाल अफगान ने कहा कि जो परियोजनाएं पूर्व सरकार के दौरान शुरू की गई थी,
लेकिन राजनीतिक परिवर्तन या अन्य मुद्दों के कारण इसमें देरी हुई। लेकिन अब हम चाहते हैं कि भारत इन परियोजनाओं को फिर से शुरू करे और यहाँ की जनता की मदद करे। वहीं शहरी विकास और भूमि मामलों के कार्यवाहक मंत्री मौलवी हमदुल्ला नुमानी के मुताबिक उन्होंने भारतीय व्यापार समुदाय से अफगानिस्तान के शहरी विकास क्षेत्र में निवेश करने की अपील की है, जिसमें विशेष रूप से न्यू काबुल सिटी परियोजना में निवेश करने की बात कही है। नुमानी का कहना है कि भारत ने अतीत में अफगानिस्तान में कुछ परियोजनाओं को शुरू किया था, लेकिन भुगतान न होने के कारण उनमें से कुछ अधूरी रह गई हैं। उन्होंने भारत सरकार से अधूरी परियोजनाओं के बारे में भी अपना रुख स्पष्ट करने को कहा है। वहीं दूसरी तरफ अफगान के लोगों का भी मानना है कि इन परियोजनाओं को फिर से शुरू करने से यहां रोजगार के अवसर बढ़ेंगे, गरीबी और बेरोजगारी कम होगी और देश में विकास को बढ़ावा मिलेगा। इसके अलावा अफगान इंजीनियर्स की क्षमता को और बढ़ाने के लिए अफगान नागरिकों को नागरिक और शहरी विकास के क्षेत्र में मास्टर और पीएचडी डिग्री के लिए स्कॉलरशिप प्रदान करने का अनुरोध किया गया है। इसके साथ ही अफगानिस्तान के अर्थशास्त्रियों ने भी अपनी बात दुनिया के सामने रखी है। उनका कहना है कि भारत द्वारा इन परियोजनाओं के फिर से शुरू होने से यहां नौकरी के अवसर बढ़ेंगे और देश में विकास को बढ़ावा मिलेगा। एक अफगानी अर्थशास्त्री दरिया खान बहीर का कहना है कि इन परियोजनाओं की बहाली लोगों के लिए रोजगार के अवसर भी पैदा कर सकती है और अफगानी लोगों की आय बढ़ा सकती है और अफगानिस्तान को राजनीतिक अलगाव से बाहर निकाल सकती है। देश को तरक्की की राह पर आगे बढ़ाने का मौका मिलेगा। इसके लिए जरूरी है कि हमारे देश के भारत के साथ रिश्ते मजबूत हों, तभी यहां निवेश की राह को आसान बनाया जा सकता है। भारत का क्या है रुख? अफगानिस्तान में परियोजनाओं को फिर से शुरू करने और दोस्ती का हाथ बढ़ाने को लेकर भारत जल्दबाजी नहीं करना चाहता है। अफगानिस्तान के खुफिया विभाग के अधिकारियों ने भारत को चेताते हुए कहा है कि तालिबान हुकूमत वाला अफगानिस्तान भारत से भले ही रिश्ते बेहतर कर ले, लेकिन अपनी सुरक्षा को लेकर उसे सतर्क रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि इस देश में विश्व के खतरनाक आतंकी संगठन अपना आशियाना बनाए हुए हैं। अफगानिस्तान के पूर्व खुफिया प्रमुख रहे रहमतुल्लाह नबील ने कहा है कि भारत के जम्मू कश्मीर में आतंकी वारदातों को अंजाम देने वाले लश्कर ए तैयबा और जैश ए मोहम्मद भी शामिल हैं। एक इंटरव्यू के दौरान नबील ने कहा था कि भारत के खुद के फायदे के लिए तालिबान सरकार के साथ बातचीत जरूरी थी, लेकिन भारत सरकार को इस देश के पुराने नेताओं से भी राबता रखना चाहिए। दोस्तों आपको बता दें कि नबील अफगानिस्तान के दो पूर्व राष्ट्रपति हामिद करजई और अशरफ गनी के वक्त राष्ट्रीय सुरक्षा निदेशालय के डायरेक्टर रहे थे। 6 साल के अपने 2010 से 2015 के कार्यकाल के वक्त उन्होंने भारत के साथ रिश्तों को मजबूत करने में अहम योगदान दिया था। वहीं अफगानिस्तान में निवेश को लेकर भारतीय दूत भरत कुमार ने कहा कि अफगानिस्तान मंत्रालय को सभी परियोजनाओं के बारे में जानकारी साझा करनी होगी। वो भारत सरकार को उनकी समस्याओं को हल करने और सभी परियोजनाओं को उपयोग के लिए तैयार करने का संदेश देंगे। कुमार ने कहा कि उन्हें नई काबुल परियोजना के बारे में कुछ जानकारी मिली है और वो उनके बारे में भारतीय निवेशकों से भी बात करेंगे। अफगानिस्तान में निवेश का फायदा होगा या नुकसान? दोस्तों यहाँ अगर इस मामले पर बात करते हुए ये मान लिया जाए कि भारत अगर अफगानिस्तान में निवेश करने के लिए तैयार भी हो जाता है और अपने अधूरे प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए राजी हो जाता है, तो क्या इसका मतलब होगा कि भारत ने तालिबान सरकार को मान्यता दे दी है? इसे लेकर एक्सपर्ट्स का कहना है कि फिलहाल तालिबान वैधता की तलाश में है, इसलिए तालिबान भारत से मदद के जरिए चाल चलकर मान्यता हासिल करना चाहता है। वहीं एक्सपर्ट्स का कहना है कि अफगानिस्तान से ये खबरें भी आ रही हैं कि आतंकी संगठन लश्कर ए तैयबा और जैश ए मोहम्मद फिर से सक्रिय हो गए हैं। वहीं पाकिस्तान और रूस के दूतावासों पर भी हमले हो चुके हैं, तो भारत का दूतावास सुरक्षित कैसे रह सकता है? ये माना जा सकता है कि ये जो हमले हो रहे हैं वो तालिबान के दुश्मन देश कर रहे हों। ऐसे में भारत सरकार को इस तरफ सतर्क रहने की जरूरत है। साथ ही ये भी देखना होगा कि भारत अफगान पर कितना विश्वास कर सकता है, क्योंकि कोई भी गलत कदम भारत के लिए परेशानी खड़ी कर सकता है और उसकी आलोचना भी हो सकती है। इसके अलावा जो सबसे महत्वपूर्ण बिंदु माना जा रहा है कि जब चीन और पाकिस्तान जो तालिबान के हिमायती बनते हैं उन्होंने भी उसे मान्यता नहीं दी है, तो फिर भारत कैसे तालिबान को मान्यता दे सकता है? इससे साफ हो जाता है कि ये दोनों देश भी तालिबान को मान्यता नहीं देना चाहते हैं। दोस्तों किसी भी सरकार को मान्यता देना एक कानूनी बात है और किसी की सहायता करना दूसरा मुद्दा है। ऐसे में भारत को बहुत सोच समझ कर कदम उठाने होंगे, क्योंकि अफगानिस्तान में प्रोजेक्ट शुरू करने के बाद तालिबान पूरी दुनिया के सामने ये ऐलान कर देगा कि भारत उसके साथ है और उसके साथ काम कर रहा है। वहीं इसी बहाने ये भी कह देगा कि भारत ने उन्हें मान्यता भी दे दी है। ऐसे में इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए
भारत को फूंक फूंक कर कदम उठाने होंगे। वैसे तो भारत चाहे तो अफगान की मदद कर सकता है, लेकिन वो किसी आतंकी संगठन की मदद नहीं करना चाहता है, क्योंकि इन आतंकी संगठनों ने भारत को बहुत चोट पहुंचाई है। इन जख्मों को देखने के बाद लगता नहीं है कि भारत ऐसा करेगा, लेकिन यहाँ पर देखने वाली बात होगी मोदी सरकार इस ओर क्या कदम उठाती है। वो तालिबान सरकार की मदद करेगी या फिर अपना हाथ खींच लेगी। वैसे इस बारे में आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।